हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में, बिकॉज़ यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछे जाएंगे और ये बिल्कुल आपके फरवरी 2020 तक अपडेटेड होगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो, बिकॉज चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने हैं। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल जिसके जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ आपको इसके चीफ मिनिस्टर भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बिकॉज यह भी हमने आपको हाल ही में करवाया है तो आपको इसके आंसर्स पता होने चाहिए। अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली जो है आपका यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं एंड वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगर हम बात करें यहाँ पे सभी स्टेट्स की, एक बार हम देख लेते हैं कैपिटल्स भी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कैपिटल हैं लखनऊ। अगर हम बात करें इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश आपका जो है यहाँ पे उसकी कैपिटल है हैदराबाद पहले थी, उसके बाद अमरावती बनाई गई है और अभी वहाँ पर जो फैसला लिया गया है यहाँ पर 3 कैपिटल्स होने वाले हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें असम के बारे में, तो असम की कैपिटल है दिसपुर एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं अनुसुईया उइके हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। जबकि अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर एंड यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। यहाँ पे आपको सभी की पिक्चर्स भी देखने को मिल रही होंगी। अगर हम बात करें गोवा के बारे में, तो गोवा की कैपिटल है पणजी एंड यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता एंड यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। उत्तराखंड की कैपिटल की यहाँ पे बात करते हैं, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून एंड गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। आपको पिक्चर देखने को मिल रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्किम के बारे में कि सिक्किम के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं गंगा प्रसाद एंड यहाँ की कैपिटल है गंगटोक। उसी तरीके से अगर हम बात करें तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना जो कि आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है और यहाँ की कैपिटल बनाई गई है हैदराबाद को एंड यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो तमिलसाई सुंदर राजन है। जबकि अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई एंड यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। त्रिपुरा के बारे में बात करें, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला एंड गवर्नर है यहाँ पे रमेश बैस। उसी तरीके से अगर हम बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़ एंड यहाँ के गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। राजस्थान के बारे में बात करें, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर एंड गवर्नर है कालराज मिश्र। ओडिशा के बारे में अगर हम बात करें, तो ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। पुद्दुचेरी जो कि आपका एक यूनियन टेरिटरी है एंड यहाँ के गवर्नर हैं किरण बेदी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें मेघालय के बारे में, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं तथागत राय है। जबकि नागालैंड की बात करते हैं, तो कैपिटल है कोहिमा और गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। मणिपुर के बारे में बात करें, तो मणिपुर की कैपिटल होती है आपके यहाँ पे इम्फाल एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला हैं। आपको पिक्चर दिख रहा होगा। मिज़ोरम के बारे में बात करें, तो मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वल एंड यहाँ के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई हैं। आपको पिक्चर देखने को मिल रहा होगा। केरल के बारे में बात करते हैं, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम एंड यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। जबकि अगर हम बात करें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु एंड यहाँ के गवर्नर हैं वजू भाई वाला।
उसी तरीके से अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो ये आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, बिकॉज महाराष्ट्र में जो है आपको इलेक्शन हुआ एंड यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए उद्धव ठाकरे, तो यहाँ से गवर्नर के क्वेश्चन होना बहुत ही आम बात होगी। तो महाराष्ट्र के जहाँ की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो कैपिटल है भोपाल एंड गवर्नर है लालजी टंडन। उसी तरीके से अगर हम बात करें झारखंड के बारे में, तो ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट क्वेश्चंस है, बिकॉज यहाँ भी इलेक्शन जो है दिसंबर में हुई एंड यहाँ के जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ जो नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए वो आपको बनाए गए हेमंत सोरेन, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की कैपिटल, जैसा कि हमने बताया कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सेम है एंड यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट था तो वहाँ के गवर्नर थे, तो जम्मू एंड कश्मीर के ये आखिरी गवर्नर रहे। उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर को जब स्टेट से हटा के यूनियन टेरेटरी बनाया गया तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला एंड यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। उसी तरीके से अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बोला कि जम्मू और कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गया, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कि यूनियन टेरिटरी बनने से दो यूनियन टेरिटरी बने, एक तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख हिस्से अलग होके बना, और जम्मू और कश्मीर के जो गवर्नर रहे वो रहे गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि लद्दाख के गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। अगर उसी तरीके से हम यहाँ पे ये दोनों आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, बिकॉज यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के, तो यहाँ के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हैं और वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। तो ये थे आपके सारे स्टेट्स के गवर्नर और जिन भी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उन सभी के नाम। अब बारी है यहाँ पे पांच क्वेश्चन जो कि जिसके जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे, और आपको इन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे हमें जवाब देने हैं। यहाँ पे पांच आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और जिस भी क्वेश्चन के आपको जवाब नहीं आया आप वीडियो को बैक करके उसके आंसर्स देख सकते हो, और सभी क्वेश्चंस की आप कोशिश करो कि जवाब दे सको। और आखिर में यह भी कमेंट करके बताना कि आपके पांच में से कितने क्वेश्चंस के बिल्कुल सही सही आंसर्स आते थे, इससे आपको क्वेश्चन जो है सारे रिपीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आपसे पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, चार ऑप्शंस हैं, जगदीश मुखी, बंडारू दत्तात्रेय, बी डी मिश्रा या भगत सिंह कोश्यारी। तो जल्दी से जल्दी आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अरुणाचल प्रदेश जहाँ की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के गवर्नर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से। साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो आपको अगर लगे कि हमें इन सारे ऑप्शंस के भी गवर्नर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर को छोड़ के और सारे ऑप्शंस हैं उसके भी गवर्नर आपको पता है, तो आप लिखो वन डॉट, अगर ऑप्शन नंबर एक जो गवर्नर है जगदीश मुखी वो किस स्टेट के हैं वो लिख दो, फिर इसी में वन डॉट बी और ये किस स्टेट के हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे गवर्नर के नाम आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले के बारे में कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, लालजी टंडन, सत्यदेव नारायण आर्य या वजू भाई वाला। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपको जो कर्नाटक के राज्यपाल है वो तो कमेंट करने ही है, साथ ही लिखना है टू, फिर आपको ए और इसके आंसर समय देने हैं। उसी तरीके से अगले की अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, चार ऑप्शंस है आपके पास, बेबी रानी मौर्य, तमिल साई सुंदर राजन, आनंदी बेन पटेल या आचार्य देवव्रत। आपको फिर से इस क्वेश्चन में वही सेम वे अपनाने हैं ताकि आपको सारे जो यहाँ पे राज्यपाल हैं एक बार में कवर हो जाए। उसी तरीके से अगले की बात करें कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है इन चारों ऑप्शंस में से, अनिल बैजल, तमिल साई सुंदर राजन, बनवारी लाल पुरोहित या रमेश बैस, और बाकी सारे ऑप्शंस के जो गवर्नर के नाम दिए गए हैं वो किस राज्य के हैं यह भी आपको बताने हैं। उसी तरीके से अगला अगर हम बात करते हैं कि लद्दाख के राज्यपाल कौन हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, आर के माथुर, सत्यपाल मलिक या जगदीप धनखड़। सेम वे अपनाने हैं, अगर गिरीश चंद्र मुर्मू लद्दाख के राज्यपाल हैं तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर फाइव और ए। अगर आपको
अगर गिरीश चंद्र मुर्मू ना हो के कोई दूसरे है तो आप वो लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है 5.A जिस भी स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के हैं, उसी तरीके से बी जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हैं, सारे को आपको इसी तरीके से कवर करने हैं ताकि एक ही वीडियो में आपको सारे चीज़ कवर हो जाए, आपको इसके बाद राज्यपाल और उपराज्यपाल में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इसके अलावा जिन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के भी वीडियो नहीं देखे वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर देखिए, ये आपको हाल ही के 2-3 दिन पहले अपलोड हुआ है, तो उससे आपको मुख्यमंत्री भी एक ही साथ रिपीट हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये आप हमें लाइक कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।